नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 11 अगस्त के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में घरों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, घरों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनके कारण दोस्तों बड़े दुर्लभ संयोग का यश में निर्माण होगा और यश में आपको कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली है जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय शुक्रवार का दिन होगा। जी दोस्तों, और शुक्रवार का दिन ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी और माँ भवानी के नाम से अर्पित है। यश में आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति होगी इनके साथ आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे। कई बड़ी खुशखबरियां में आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर से जुड़ी सभी प्रकार की आर्थिक तंगियाँ खत्म होंगी। घर से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं यश में उनसे आप मुक्ति भी पाने वाले हैं। जी दोस्तों, साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी प्रकार के जो दुश्मन है यश में वे रास्ते से हटेंगे और आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्ज्वल रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके मन मस्तिष्क में नए विचार आने वाले हैं जिन्हें आप अपने कार्यस्थल पर प्रयोग करके बहुत ही ज्यादा लाभ कमाने वाले हैं और बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे, समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी दोस्तों, घरों की जो इसमें स्थिति बनने वाली है कुल मिलाकर आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। बस दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यश में आप एक गलती करने से बचें। जी दोस्तों, यह गलती आप बार बार करते हैं और इन्हीं गलती के कारण आपका कार्य बनते बनते ही बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, इन्हें अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और माता रानी का शीर्ष आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पॉजिटिव की अगर बात करें तो दोस्तों यदि आप विदेश जाने का सपना पाल रहे हैं तो उससे संबंधित परिणाम इस समय आपको मिलने की आंशिक संभावना है। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, बुजुर्गों आपको अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे और दोस्तों पूरा माहौल यश में शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। वही दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों के सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों उनके साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। दोस्तों आधिकारिक उद्देश्य के लिए यात्रा करना वांछित परिणाम नहीं दे पाएगा, इसलिए अगले महीने के लिए इसे स्थगित कर दें। मैं दोस्तों इन दिनों में पुरानी बातों से निकलकर नए कामों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों गुजरे कल के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको बहुत से नए अवसर भी मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी जो है वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप नाराज हैं तो दोस्तों यश में उन्हें माफ़ कर दें। किसी भी कार्य या फिर रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने के बजाय उसे उनके साथ संभलने का उसे मौका देना चाहिए। दोस्तों यश समय अगर आपकी करियर की बात करें तो दोस्तों करियर में बीती बातों को भुलाकर अपनी प्लानिंग को अगले चरण में ले जाएं, इससे दोस्तों लाभ होगा। दोस्तों यश समय अगर आपको अच्छा अवसर मिले तो आप नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आप संगठन और अपने काम के दायरे के बारे में अच्छे से शोध कर लें। दोस्तों यश में इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका जीवन साथी शारीरिक समस्याओं से जूझ सकता है, ऐसे में उनकी सेहत का आप ध्यान रखें क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होगी और मानव होने के नाते आपका कर्तव्य भी। दोस्तों यश में रिश्तों के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, अविवाहितों के लिए नए प्रवचन मिल सकते हैं। दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो किसी पुरानी बीमारी से आपको आज के दिन राहत मिल सकती है,
दोस्तों यश में आपको एक शांत आचरण बनाए रखना चाहिए और तर्कों से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों यश में चुनौती यह है कि आप अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखें, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा कूटनीतिक बने। दोस्तों वहीं यश में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा गोल्डन और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यश में आउटडोर खेलों में महिलाओं खिलाड़ियों को उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के करियर संबंधी विशेष बात संभव है। सांस संबंधी मामले में आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों यश में उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होंगे। इस उत्साह के कारण आपको अलग अलग वस्तुओं पर हाथ आजमाने का मन भी होगा, परंतु दोस्तों आप विशेष खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप में इतनी शक्ति होने पर भी आप सुरक्षित रहकर कदम उठाना पसंद करेंगे। दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वह दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो आप काम में निपटने के लिए नए नए तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि आप असामान्य चीज़ें करने के मूड में रहेंगे। लेकिन दोस्तों निर्णय लेते समय सावधान रहें। गणेश जी के अनुसार दोस्तों यश में टीम वर्क आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों यह समय की शाम दोस्तों और प्रियजन के लिए आरक्षित होगी। आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे और अपने पीर को क्लैरिटी टाइम देने पर गर्व महसूस कर सकते हैं। वहीं आपके साथी का अच्छा मूड आपको खुशी देगा। वहीं दोस्तों यह समय अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यह समय आपको शीघ्र ही बहुत बड़ी जमीन खरीदने के अवसर भी मिलेंगे। यदि आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाह रहे हैं और आपका कोई नज़दीकी विश्वास पात्र मित्र आपके साथ भागीदारी बनकर इस व्यवसाय में निवेश करना चाहता है तो दोस्तों आपको इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपका आर्थिक भार भी कम हो सकता है एवं इस गठबंधन से आपके आपसी संबंध भी खराब नहीं होंगे। दोस्तों गणेश जी को लगता है कि आज के दिन आपके अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे, आपका मन मुताबिक तार्किक और सक्रिय रहेगा। आप कुछ असामान्य या फिर अतिरिक्त करने में सक्षम होंगे। आप नेटवर्किंग में अपनी ऊर्जा का निवेश करेंगे। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों इसमें आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी जो है खींच की वजह बन सकती है। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएंगे। दोस्तों रोमांचक दिन है, क्योंकि अपने पीर का फोन आएगा। कारोबार जितना हो अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से शेयर न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। दोस्तों यह समय एक बार फिर समय में कुछ पीछे जाकर शादी की शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं।